हम जा रहे हैं गोवा एक हफ्ते के लिए, और मजे की बात यह है कि मैं और हस्बैंड दोनों वी आर हैविंग बैक स्प्रेन, तो सौमिल लेके जाने वाले अभी हमें सब जगह गोवा में। तो अभी बजा है सुबह का 9:30, 12:30 इज आवर फ्लाइट, चलते हैं फटाफट से। वैसे मैं और सौमिल दोनों ट्विनिंग, बस मिल गए बोरिंग पास। थैंक यू सो मच। सुख के पूनम दिहाड़ी दे, दिहाड़ी भी लेगा फिर। थैंक यू, वापस कर हमारा। और ये सारी एक्साइटमेंट फ्लाइट टेक ऑफ कर दे खत्म हुई, क्योंकि इतना जबरदस्त टर्बुलेंस चल रहा था। इसी तरह खत्म हुआ और खाते पीते हमने लैंड किया गोवा। जल्दी लैंड करके 1:30 बजे अभी, एंड वी आर इन गोवा। और इतना शांत है ना सोमल, ये अरे कर पापा इज आउटसाइड। पहुंच गया हम गोवा, और आते ही हमने ले लिया ये कैब। कैब क्या है, इनफैक्ट हमने रेंट आउट कर लिया कार। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले पेलोलिम बीच। यहाँ से हमें लगेगा आई थिंक 1.5 आवर, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है, जो स्टे है, वो वहीं पे है। और यहाँ पे ये सोम दादा बैठे हुए हैं, इधर सर्वेश कार चला रहे हैं। तो हमने कर लिया ये इनकी कार बुक फॉर 6-7 डेज, तो हम इसी में मजे से अपना ड्राइव करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करते चलते हैं। आपका कुछ? तो समोसा ही खाऊंगी यहाँ पे भी। क्या कर रहे हो? फ्लाइट में भी अच्छा खाना नहीं था। इतनी सारी चाय मिलती है, कौन सी पिएगा? कोल्ड कॉफी। ऑर्डर 1, देखते हैं कैसी है। मैं तो वही लूंगी पानी में, फिर मैं गोवा में वही कार चलाऊंगी। अरे हम क्या बिल्कुल बीच के ऊपर ही रहने वाले हैं क्या? इतना पास पास पहुंच रहे हम बीच के। पूनम लग तो ऐसे ही रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो मन कर रहा है किसी के घर में रह लू जाके। कोई क्या मुझे रख लेगा यहाँ पे प्लीज? गार्डनिंग वार्डनिंग कर दूंगी, योगा सिखा दूंगी। सोबित सरोवर पौधी रूम को सड़ाए, हम फटाफट से रूम टूर कर ले। तो ये है रूम हमारा, यहाँ से चलते हैं बाहर का एरिया देखते हैं। सो वी हैव अ नाइस सीटिंग हियर आल्सो, एंड वी हैव पूल फेसिंग। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, सो वी विल बी स्टेइंग हियर फॉर 3 डेज, और इससे अगली जो है लास्ट 2 डेज वेयर विल स्टे, वो और भी अच्छी है जो मैंने सुना है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। तो ऐसा करते हैं सनसेट देखने चलते हैं बीच पे, और फिर आके अपने पूल में बैठ जाएंगे। जिम पे तो शॉर्टकट से ही जाऊंगा। निकल चुके हैं हम फटाफट से बीच के लिए, क्योंकि हम देखेंगे सनसेट। दिस सेट बस 2-4 मिनट में ही आ जाएगा, देखते हैं अब कब आता है। देखो हम बिल्कुल बीच में, गांव के बीच में से जा रहे हैं। ये हमारे गार्ड जो है, ये तो सच्ची में हमें गाइड कर रहे हैं, पूरा रास्ता लेके चलेंगे। वो तो उधर ले जा रहे हैं सर्वेश, किधर जाएं? वो डॉग्स हमें किसी और रास्ते में लेके जा रहे थे, लगता है हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान तो नहीं कर रहे थे। नहीं यार, वो बहुत प्यारे होते हैं, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखा
वी गॉट टू नो कि वो रास्ता जो डॉग्स वो गोइंग वही रास्ता था, हम गलत जा रहे थे. यार कितने स्मार्ट डॉग्स हैं. थैंक यू. ओह दे देयर सी. सॉरी फॉर डाउटिंग यू आवर डियर डॉग्स. टीचर ट्रेनिंग भी चल रहा है, योगा टीचर ट्रेनिंग. सो दे मेक सच कॉटेजेस इंस्टेंट बना देते हैं. बंक बेड इज ऑन. इट्स एग्जैक्टली ऑन द बीच. देखो प्रॉमिस किया था पानी में नहीं जाएंगे, अभी बस सनसेट व्यू करके आएंगे. लुक एट हिम, ही इज ऑलरेडी देयर. सोम डोंट गो डीप. बाबा यहाँ रेड फ्लैग्स है ना, उन्होंने मना किया स्विमिंग के लिए. सो वी आर हैविंग सम टी कॉफी नाउ. हाउ मेनी विल डू. आ जाओ, बहुत हो गए यार. यहाँ तो बारिश होने को हो रही है, इतना ज्यादा मौसम क्लाउडी क्लाउडी हो गया सब जगह. चलो विल एंजॉय रेन आल्सो इन गोवा. अभी तो सिर्फ 6 ही बजे है, सो हम स्विमिंग जिम सब हो जाएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग. अच्छी सी है यहाँ पे, ये हमारे क्या, मेरे को लगा बुद्धा जी है ना. सो हम बस कर यार, डर जाएंगे वो भी. एक्सरसाइजिंग अपना बैक का सबको बकरा बना के. सो सभी शो गिर जाएगा और तुम्हारे फेस पे गिरेगा. मेरे ऊपर मत गिर जाइए. ही इज नॉट एबल टू फ्लोट ऑन दैट छोटा फ्लोटर. सेवेज इज टेकिंग शावर. सोम जा चुका है जिम और उसके बाद हम चलेंगे मार्केट. थोड़ा सा यहाँ चलेंगे स्ट्रॉल पे. सो देयर इज अ मार्केट वेरी क्लोज टू द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग. जाके उसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अब की बार मैं कोई भी स्विम वेयर अपने साथ नहीं लेके आई हूँ, इसीलिए आज मैं पूल में भी नहीं जा सकी. तो अभी जाके और देखते हैं मार्केट में कुछ अच्छा मिलता तो आज यहीं से लेते. आई एम प्रीटी श्योर दैट वी विल गेट समथिंग गुड टुडे. बच्चे डिनर के लिए चलेंगे, पता नहीं. लेट्स सी वेयर डू वी गो. मैंने भी चेंज कर लिया क्योंकि काफी कहीं कहीं से गीला हो गया था. अभी जाते ही खाना खाना मत शुरू हो जाना. आई वांट टू डू सम शॉपिंग आल्सो. मैं तो खाऊंगा. डिनर करके हम वापस आ गए हैं. शॉपिंग भी हो गई है थोड़ी सी, बच चुका है अभी 11. सोया जाए. यहाँ खत्म हुआ हमारा डे 1. अगले दिन से हमने एक्सप्लोर किए इतने अमेजिंग साउथ गोवा के एक्सट्रीम साउथ के बिल्कुल अनटच्ड ब्यूटीफुल बीचेस. ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. स्टे ट्यून्ड एंड देखना भूलना नहीं.